नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। न्यूज बुलेटिन में इस बुलेटिन में बात होगी बहराइच की, जहां शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग। आगे बात करेंगे गोंडा की, जहां भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने कल हुए सड़क हादसे के बाद दिया बयान। साथ ही आगे चर्चा होगी महाराजगंज की, जहां सपा मुखिया अखिलेश यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर किया हमला। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर बहराइच से है, जहां शॉर्ट सर्किट से ट्रांसफार्मर में लगी आग, धू धू कर जलने लगा ट्रांसफार्मर। जिले में पड़ रही भीषण गर्मी में बिजली की बढ़ रही खपत, ट्रांसफार्मर पर भी पड़ रहा अधिक भार। ट्रांसफार्मर बना का गोला देखते ही देखते उठने लगी आग की ऊंची ऊंची लपटें। मामला कोतवाली देहात इलाके के रायपुर राजा स्थित मक्का पुरवा मोड़ का है। बहराइच से सीनू संवाददाता कृष्ण चंद्र शुक्ला की रिपोर्ट। भाजपा प्रत्याशी करण भूषण सिंह ने कल हुए सड़क हादसे के बाद बयान दिया। कहा, मैं अपने कार्यक्रम में पहुंच चुका था, पीछे काफिले की गाड़ी से हादसा हुआ, मेरी पूरे परिवार के साथ संवेदना है, जो मेरे लायक होगा वह मैं हमेशा करूंगा। रोड क्रॉस कर रही महिला से दोनों बच्चे भिड़ गए थे, इस दौरान ये गाड़ी पहुंच गई जब हादसा हुआ। जानकारी होने पर मैंने अपनी गाड़ी भेजकर दोनों बच्चों को अस्पताल भिजवाया, मेरे लोग अस्पताल में मौजूद थे, पोस्टमार्टम करवाया है, अंतिम संस्कार में भी शामिल थे। जो मुझे मीडिया द्वारा एक के बाद एक आरोपी बताया जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत आगे अपने काफिले के साथ था, पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके ड्राइवर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। जो वहाँ पे बच्चे घायल थे उनको अपनी गाड़ी से हॉस्पिटल भेजा। हॉस्पिटल भेजने के बाद हमसे जुड़े हुए लोग उस परिवार के साथ रहे, पोस्टमार्टम करवाया, रात में मिट्टी तक वहाँ पे रहे। अभी एक संयोग मान ले, बहुत दुखद घटना है। और दूसरी चीज़, इस घटना की सच्चाई जो आप वहाँ पे पता करेंगे, मीडिया की तरफ से तो जो दिखाया गया, मुझे बहुत बड़ा विक्टिम दिखाया गया। अभी मेरा राजनीतिक करियर शुरू नहीं हुआ, लेकिन मुझे नहीं पता क्यों किस तरह का जो हो रहा है वो अच्छा नहीं लगा। बात ये हुई थी कि एक महिला रोड क्रॉस कर रही थी और उस महिला से बच्चों का एक्सीडेंट हुआ। और बच्चे रफ्तार का नहीं पता, लेकिन बच्चों डिसबैलेंस होके दूसरी साइड गिर गए और जैसे गिरे अचानक गाड़ी से दुर्घटना हो गई। ये सच्चाई है। और फिर बाद में मीडिया में दिखाया जा रहा कि तीन लोग को, और बल्कि मैं था भी नहीं, और जब मुझे जानकारी हुई मैं अपने प्रोग्राम में पहुंच चुका था, मैंने वहां से अपनी गाड़ी भेजी। ये आप वहां पता कर सकते हैं। तो गाड़ी आपकी थी कि पीछे कैसे हो गई थी? पीछे की गाड़ी थी। अच्छा, जैसे ये भी प्रोग्राम में जा रहा हूं। ये भी चर्चा थी कि जैसे आप जनप्रिय नेता थे, फिर आप जो एक अफवाह है कि आप तुरंत वहाँ से चले गए, अपने संवेदनहीनता दिखाई, उसमें क्या सच्चाई? नहीं, मैं आप पता कर लीजिएगा, कोई वीडियो देख लीजिएगा, मैं प्रोग्राम में पहुँच चुका था। नगर पालिका नवाबगंज चेयरमैन सत्येंद्र जी, ये तुरंत इनको मैंने गाड़ी में भेजा। सत्येंद्र जी वहाँ पे गए, इनने दुर्घटना में अपनी गाड़ी से फॉर्च्यूनर गाड़ी से गए, वहाँ पे जो बच्चे थे घायल थे उनको गाड़ी में रखा, और इन लोग को हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद वहां से जो भी आदमी उस गाड़ी में थे वो और सत्येंद्र जी नवाबगंज चेयरमैन वहां से आए मेरे पास। तब तक मैं बहराइच पहुंच चुका था। अच्छा, आपके लोकसभा की घटना है तो आप कितना दुख व्यक्त करते हो? क्या परिवार के साथ पूरी संवेदना है और बहुत दुखद घटना है। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि मैं परिवार के साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, मेरे लायक जो सहयोग होगा, मेरे तरफ से जो हो पाएगा बढ़ चढ़कर मैं करूँगा। तो पुलिस ने क्या कार्रवाई की आपके साथ? पुलिस ने अपना काम किया, गाड़ी को अपने कब्जे में लिया, ड्राइवर के ऊपर जो भी उसकी धारा बनती है उसकी धारा बना के उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गोंडा से सीनियर संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में चुनाव के अंतिम चरण में 1 जून को मतदान होना है। कांग्रेस प्रत्याशी वीरेंद्र चौधरी के समर्थन में आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव एवं छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल ने आज महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र के निचलौल में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बीजेपी पर जमकर हमलावर हुए। जनसभा को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि जो हमारे प्रधान सांसद हैं वह आजकल ना जाने क्यों माँ शब्द के पीछे पड़ गए हैं, और जब से उन्हें घबराहट हुई है ना केवल वह खुद डगमगाए हैं बल्कि उनकी जुबान भी लड़खड़ाई है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोगों ने ना केवल लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा किया बल्कि आरक्षण पर भी हमला किया है। ना नौकरी है ना रोजगार है, केवल जनता को गुमराह कर रहे हैं।
हार के डर से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई। इस बार चुनाव परिणाम इंडी गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। बीजेपी के लोगों ने न केवल लोकतंत्र को खतरा पैदा किया है बल्कि आरक्षण पे भी हमला किया है। न नौकरियां देना, न रोजगार देना और केवल जनता को गुमराह करना और अपने हार के डर से बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं की भाषा बदल गई। और पता नहीं क्यों जितने भी एम से शब्द आते हैं उसके पीछे बीजेपी पड़ी हुई है। लेकिन इस बार महाराजगंज का भी शुरुआत एम से होती है। महाराजगंज के लोग बीजेपी को सबक सिखाने का काम करेंगे। वो जो जा रहे हैं बाद में हारने के बाद किसी को तो दोष देना पड़ेगा ना, तो कहेंगे कि कहीं ना कहीं उनकी पूजा में थोड़ी कमी रह गई थी। इस बार परिणाम इंडिया गठबंधन के पक्ष में आने वाला है। महाराजगंज से सीनू संवाददाता अंगद शर्मा के साथ अरुणेश गुप्ता की रिपोर्ट। आज प्रखंड कार्यालय मधुबन स्थित सभागार भवन में प्रखंड स्तरीय खरीफ महोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी पुरुषोत्तम कुमार, प्रखंड कृषि पदाधिकारी प्रभात एवं किसान उदय शंकर गुप्ता के द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से किसानों को कृषि समन्वयक शिवांगी आनंद के द्वारा कृषि विभाग द्वारा संचालित होने वाले योजनाओं के बारे में बताया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समय कृषि समन्वयक आलोक कुमार श्रीवास्तव के द्वारा समेकित कृषि प्रणाली अंतर्गत फसल हेतु खेतों की तैयारी से भंडारण तक की कार्यों को विधिवत जानकारी दी गई। कृषि समन्वयक राजेश रंजन के द्वारा मिट्टी नमूना संग्रहण एवं इसके फायदे के बारे में जानकारी दी गई। किसान सलाहकार भाग्य नारायण शर्मा ने बिहार कृषि ऐप के बारे में विधिवत जानकारी दी। इस कार्यक्रम में कृषि समन्वयक शिवांगी आनंद, राजेश रंजन, राजीव रंजन, अनिल कुमार, सहायक तकनीकी प्रबंधक रणविजय सिंह, देवाश्री कुमारी महतो, लेखपाल रमेश कुमार यादव आदि लोग मौजूद रहे। मोतिहारी से सीनू संवाददाता राकेश कुमार पांडे की रिपोर्ट। रीवा शहर के मध्य में स्थित शिक्षा जगत की जानी मानी हस्ती ठाकुर रणमत सिंह महाविद्यालय में छात्र नौतपा की भीषण गर्मी में भारी संकट से जूझ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि महाविद्यालय की कक्षाओं में ना तो सही से पंखे चलते हैं और ना ही पीने के पानी की उचित व्यवस्था है। इसके साथ साथ महाविद्यालय स्वच्छता के पैमाने पर भी कमजोर साबित हो रहा है। भीषण गर्मी के दौरान महाविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है एवं उचित व्यवस्था ना होने के कारण छात्रों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में प्राचार्य कक्षा का घेराव किया गया। आइए सुनाते हैं संबंध में NSUI जिलाध्यक्ष पंकज उपाध्याय ने क्या कुछ कहा। आज भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन NSUI के साथियों के साथ हम लोगों ने TRS महाविद्यालय, जो प्रदेश का एक जाना माना कॉलेज है, इसमें हम लोगों ने प्रिंसिपल कक्ष का घेराव करके आज ज्ञापन सौंपा है। हमारी प्रमुख मांगे ये थी, पहली समस्या है जिस प्रकार से भीषण गर्मी इस समय पड़ रही है, जैसे कि गर्मी का सबसे मुख्य जो होता है नौतपा, उसमें इतना पानी, मतलब यहाँ का TRS का पानी देखिएगा, अभी हम दिखाएंगे आपको चल के, पानी पीने योग्य नहीं है। पहली बात तो बास मारता है, दूसरी बात ठंडा पानी नहीं है। यहाँ पे ये सामने RO प्लांट है हमारे कॉलेज में, जब रामलला सर थे प्रचार तब वो चलता था, आज क्या कंडीशन हमको नहीं पता। हमने प्रचार महोदय से जब बात की इस बारे में कि उसको आप रिपेयर करवा दीजिए तो छात्रों की समस्या ही खत्म हो जाए पानी की, ये पानी पीने योग्य नहीं है, बास मारेगा, गर्म पानी है, ये आप खुद भी पियो ना, ये छात्रों के लिए है कॉलेज, छात्रों के लिए, तो छात्र हित में काम करना होगा इनको। हमने जब बात की किसको बनवाओ आप, तो उन्होंने कहा कि रिपेयर करने लायक नहीं है, तो जब रिपेयर करने लायक नहीं तो आप दूसरा उसकी जगह लाओ। आप फिर ये बताओ कि मुझे सरकार द्वारा पैसे नहीं मिल रहे हैं, बजट नहीं मिल रहा है। दूसरी बात, आप चले जाइए, इतनी गर्मी पड़ रही है, किसी भी क्लास में अगर 8 पंखे लगे हैं तो 3 से ज्यादा चलते नहीं मिलेंगे पंखे। 3 पंखे चलते होंगे तो कुछ उल्टा चल रहे हैं और कुछ चल नहीं रहे हैं और कुछ टूटे पड़े हुए। जब हमने कहा कि इनको बनवाइए तो उन्होंने कहा कि ठीक है बनवाएंगे, जबकि ये हर बार होता है, हर बार हम लोग गर्मी में इसके लिए ज्ञापन देते हैं, मांग करते हैं पंखा सुधरवा दीजिए। बेंच की कंडीशन ये कि एक परत धूल जमी हुई है, उसमें बैठने योग्य नहीं है कि कोई भी छात्र उसमें बैठकर पेपर दे सके या कि वो कुछ भी कर सके। पेपर चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, इतनी गर्मी है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है, कोई आरोग्य व्यवस्था नहीं है, पंखे बिगड़े हुए हैं, बताइए किस प्रकार से व्यवस्था है। फिर एक बड़ा मुद्दा है
2017-18 में जो नैक की टीम आती है, सबको पता है कि नैक की टीम आती है, हर साल एक कॉलेज का मूल्यांकन होता है, उसमें ग्रेड दी जाती है। 2017-18 से टीआरएस में मूल्यांकन नहीं हुआ है, आज भी इसको एक्सीलेंस की मान्यता कैसे मिली हुई, जब एक वर्ष का ही इसमें प्रावधान है कि एक वर्ष ही मान्यता रहती है, तो आज भी इसको एक ग्रेड की मान्यता कैसे प्राप्त है। हमने ये भी बात प्रिंसिपल मैडम के पास रखी है, तो उन्होंने कहा, हमने कहा कि छात्रों का भविष्य नहीं खराब होना चाहिए, अन्यथा एनएसयूआई इस पर आंदोलन करेगा और आपके ऊपर आपको व्यक्तिगत लेकर इस पर करेगा, क्योंकि आप प्रचार हो, जिम्मेदारी आपकी। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सिमरिया क्षेत्र अंतर्गत पूर्वा फाल से है, जहां पर पर्यटक से गाड़ी अंदर जाने के नाम पर स्थानीय लोगों द्वारा लगातार अवैध रूप से वसूली की जा रही है। इसका विरोध करने पर गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जाती है। जब इस संबंध में पर्यटक से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि जब हम लोगों के द्वारा विरोध किया जाता है तो वसूली करने वाले लोगों के द्वारा सीधे तौर पर कहा जाता है कि पार्किंग का चार्ज लगेगा, तभी गाड़ी अंदर जाने दी जाएगी, अन्यथा गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जाएगी। आखिर किसकी शह पर पर्यटकों के साथ गाड़ी अंदर जाने के नाम पर अवैध रूप से वसूली हो रही है, ये एक बड़ा सवाल है। हम लोग 5 लोग हैं, 50 रुपए लिए हैं। 40 रुपए लिए हैं। हाँ, 40 रुपए लिए हैं। मांगते थे, बात सही है, 100 रुपए थी। हाँ, पहले 100 रुपए मांगे हैं, फिर 100 रुपए से 50 मैं आया, कहें 50 नहीं भाई, काहे का पैसा भी तो नहीं लगता था, ये हम बोले फिर कहें कि नहीं लगेगा पैसा भाई, गाड़ी का है, आप लोगों को सबका मिला के हम आप इतना दे दो, हम लगे कहें 20 रुपया ले लो देख लें, कहें नहीं 20 में नहीं जाए, नहीं जा मेरे, फिर कहे मैंने 40 रुपये दिया, हम लोग 40 में मान गए हैं। अच्छा अच्छा, अब इसमें नहीं, अगर आप कोनो आपत्ति तो नहीं, कोई आपत्ति नहीं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।